بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ما بعد وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفزة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف

नजरिन ये दुनिया है और दुनिया में बहुत जमाने से आपस में एक दूसरे को छोटा समझना और बाज लोगों का अपने आप को बहुत बड़ा समझना दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम यूँ कहें कि अपने आप को इज्जत वाला और दूसरों को ज़िल्लत वाला समझना ये चलता रहा है हद तो यह है कि इस दुनिया में बाज लोगों ने अपने आप को इंसानी जुमरे से निकालकर अपने आप को आसमानी मखलूकत के साथ जोड़ने की कोशिश की है अगर हम वाम की तारीखों पर नजर डालें रोम को देखें बाबिल और नैनवा की तारीख पढ़ें मिस्र की तारीख कदीम का मुताला करें या आ जाए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में जिन कौमों ने यहां पर हुकूमतें की हैं उनकी तारीख पर नजर डालें तो हमको यह मिलेगा कि जिन लोगों को सत्ता हुकूमत तख्तोताज हुक्मरानी ये चीजें नसीब हुई उन लोगों ने अपने आप को इंसान न समझकर कुछ और समझने की गलती की अगर वो अपने आप को अच्छा समझते रहते तो इसमें भी कोई बुराई नहीं थी हर एक आदमी को हक है कि वो अपने आप को अच्छा जाने अच्छा समझे लेकिन किसी दूसरे को बुरा समझना जलील और ख्वार समझना ये जो है माकत है ये जो जिल्लत आमेज नजरिया है कभी और शनि किस्म की बुराई है जाहिर है कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती आप अपने आप को अच्छा समझें बहुत अच्छा है लेकिन आपको दूसरे को किसी को बुरा समझना यह कैसे इजाजत दी जा सकती है तारीख ने अपने मुख्तलिफ अदवार में इस बात को साबित कर दिया है कि बहुत सी दफा ऐसा हुआ के बाद बादशाहों के जमाने में कुछ खास कौमों को इज्जत शरफो मंजिलत इल्म और अकलमंदी दानिश्वरी और खुदराई इन तमाम चीजों का पूरा पूरा हक ऐसा समझा गया कि उन्हीं के लिए महफूज है ना कोई दूसरा इज्जत वाला है न किसी दूसरे के पास अकलो तमीज है न किसी को तहजीब आती है और ना कोई ये सलायक है कि वो किसी मामले में अपनी राय जाहिर कर सके क्यों इसलिए कि उसके पास हुकूमत नहीं सत्ता नहीं डंडा नहीं हुकूमत नहीं फौज फर्रा नहीं उसके पास बड़ी कोई सिपाह नहीं इसलिए अगर उसके पास अकल होती तो ये चीजें होनी चाहिए थी लोगों ने सत्ता को अकल से जोड़ दिया कि जिसके पास सत्ता है वो ज्यादा अक्लमंद है हालांकि बात ऐसी है नहीं हमारे हिंदुस्तान में हुकूमत करने वालों में आप देखें कि कुछ लोगों ने अपने आप को सूर्यवंशी और कुछ लोगों ने अपने आप को चंद्रवंशी कहलाना शुरू किया और दूसरे लोगों को कमतर जाना इनमें से किसी आदमी ने अपने आप को इंसान और हजरत आदम और सलाम की औलाद मानने से इनकार किया बल्कि अपना वंश अपनी नस्ल सूरज से और चांद के साथ जोड़ दी और चूंकि चांद बहुत खूबसूरत है बहुत बुलंद है लिहाजा वो भी दुनिया में सबसे उत्तम हैं, बेहतर हैं अच्छे हैं अफजल हैं औला हैं अशरफ हैं ऐसे ही सूरज का मामला सूरज तो उससे भी कहीं ज्यादा है बाकी कौमें बाकी कौमें जलील हैं हमारी खिदमत के लिए हैं उनको जीने का हक तो है लेकिन हमारी खिदमत गुजारी के साथ अगर वो हमारी खिदमत गुजारी करती रहती हैं, फर्माबरदारी करती रहती हैं, हमारी गुलामी में लगी हुई हैं, तो वो खाएं पिए मौज करें और रहें कोई बात नहीं है लेकिन उनमें से किसी को यह हक नहीं है कि उम्र ममलिकत में दखल दें और न इस बात का हक है कि अगर उन पर किसी तरह का कोई जुल्म हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज उठाए यह हक नहीं है उनको उनको कथन इस बात की इजाजत नहीं है वो किसी बात पर टोका टाकी करें राजा के किसी फैसले पर नाराजगी का इजहार करें अगर ऐसा किया तो उनको इतनी सख्त सजा दी जाएगी कि उनकी चार पुश्ते इस तरह के किसी इकदाम से हमेशा हमेश के लिए तोबा कर लेंगे इस्लाम जब दुनिया में आया था तो अरब का भी तकरीबन ऐसा ही हाल था सारी दुनिया में तो यही था अपने आप को लोग आसमान से जोड़ते थे चांद और सूरज से मिलाते थे किसी आदमी ने अपने आप को सितारों से जोड़ा किसी ने अपने आप को फरिश्तों से जोड़ा और कुछ लोग तो ऐसे थे कि डायरेक्ट अल्लाह इज्जत से उसकी औलाद अपने आप को मानकर इस दुनिया वालों से अपनी इबादत करवाते थे इस्लाम आया इस्लाम ने इन तमाम नजरियात के खिलाफ आवाज उठाई इंसाफ की एहतराम की इज्जत की हर एक के लिए और सारे बनी आदम के लिए इज्जत एहतराम इंसानियत का वकार उसके शरफ व मंजिलत उसके मुकाबले में कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं कि जिसको इससे बढ़ा दिया जाए इंसान की फजीलत अगर वो इंसान है तभी है अगर वो अपने आप को इंसान ही नहीं मानता तो उसको इंसानों में रहकर इंसानों के ऊपर हुक्मरानी करने का हक हाँ भी नहीं है जाए वहां जिस लोग से और जिस नस्ल से ताल्लुक रखता है उसी नस्ल के लोगों के पास जाए वहां पर हुक्मरानी करे रसूल अलैहि वसल्लम के जमाने में और उस दौर में गुलामी की प्रथा बहुत ज्यादा चल रही थी लोग रातों को किसी दूसरे कबीले पर शबखू मारते थे डाका डालते थे तो वहां के बच्चों को बच्चियों को लड़कों को उठा लाते थे अगर कबीला कमजोर होता था तो बेचारा उनका पीछा भी नहीं कर पाता था और यह सब कुछ रात के अंधेरे में चूंके होता था प्राण के तहत होता था और दूसरा कबीला बिल्कुल उनकी इन हरकतों से अनजान होता था तो उस वक्त कोई मुकाबला नहीं हो पाता था और दिन का उजाला जब तक होता था तो अपने घोड़ों और ऊंटों की मदद से इतनी दूर निकल चुके होते थे कि उनका पीछा करना और मालूम करना किस कबीले के लोग थे और कहां के थे कहां ले गए मुश्किल था उससे ज्यादा बड़ी खराबी की बात यह थी कि कोई बादशाह नहीं था कोई हुक्मरान नहीं था कोई खलीफा नहीं था ऐसा जो पूरे खित्ते में अमनो अमान बरकरार रख सके हर एक आदमी अपनी जगह आजाद था तवाइफुलमलूकी का दौर था जो कबीला जितने ज्यादा अफराद पर मुश्तमल होता था उतने ही ज्यादा दूर तक इलाके पर अपनी हुक्मरानी समझ कर मनमानी करता था दूसरे कबीलों को अगर वो तादाद में छोटे होते दबाता जुल्म करता उनकी कोई भी चीज छीन लेता वो बेचारे कुछ नहीं करते रसूल अक्रम सल वसलम ने यह सारी बातें अपनी आंखों से देखी थी इस जुल्म को महसूस किया था उस पीड़ा को उस दर्द को आपने बचपन से लेकर जवानी तक खूब अच्छी तरह से महसूस किया और फिर उसके खिलाफ संघर्ष करने और उसके खिलाफ आवाज उठाने इंसानियत को बचाने से हुई इंसानियत के रिश्ते हुए जख्मों पर मरहम रखने की वो कोशिश फरमाई आपने कि चंद ही सालों में ये सारी पीड़ा ये सारी तकलीफ खत्म हो गई इंसानियत को वकार मिला इज्जत मिली और हर एक इंसान अपनी जगह अपने किरदार की बुनियाद पर इज्जत वाला कहलाया नबी नबीकर ने एक बार नहीं दो बार नहीं दस बार नहीं बार 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 जेरदस्त कमजोर गरीब मिस्किन गुलाम लौंडी और इसी तरह के और दूसरे लोग उनको इतनी इज्जत और वक़ार दिया उनकी इतनी फजीलतें बयान फरमाई, उनका ख्याल रखने की इतनी तलकीन आपने फरमाई कि कुछ ही सालों में इस दुनिया का नक्शा बदल गया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तुम हजरत अबू के सिद्दीक रजाला तैन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम के सच्चे जानशी थे जब उनको खलीफा बनाया गया तो उन्होंने जो खिताब उस वक्त किया जो कुछ उस वक्त अपने दौरे हुक्मरानी का या दौरे खिलाफत का जो मंशूर पेश किया किस तरह से हम हुकूमत करेंगे तो उसमें यह बात तारीख ने नोट की है कि उन्होंने फरमाया कि हमारे लोगों के दरमियान इंसाफ और अदल कायम करने का जो दस्तूर और तरीका होगा वो ये होगा कि हर आदमी अपनी जगह पर उसकी इज्जत उसकी जान उसका माल उसकी आबरू ये महफूज है दीन ईमान से लेकर इज्जत आबरू तक हर एक आदमी की महफूज रहेगी और सबसे कमजोर आदमी सबसे ज्यादा पावर वाला है ताकत वाला है हमारे नजदीक जब तक उसके लिए इंसाफ न दिला दिया जाए और सबसे ताकत वाला आदमी हमारे नजदीक सबसे कमजोर होगा जब तक कि उसको लोगों पर जुल्म करने से रोक न लिया जा। जाए गरज यह कि रसूल करम सल्हसम के जमाने में और इन खलफा रशिदीन के जमाने में किसी को किसी पर जुल्म करने और खास तौर से इस बुनियाद पर कि वो किसी और नस्ल का किसी और खानदान का किसी और कबीले का है कोई मौका नहीं था तारीख ने ऐसे वाकयात नकल किए हैं सही तरीन वाकयात कि इस्लाम ने इस सिलसिले में कभी भी किसी की बेजा रियायत नहीं की बड़े खानदान का छोटे खानदान का आजाद मर्द गुलाम मर्द कोई फर्क नहीं है इस्लाम के नजदीक सब इंसान हैं और सारे इंसानों के हकूक इस एतवार से बराबर हैं लेकिन साथ में यह भी फरमायान्ना सुमा आदिन के मदिन जह भी वलफिर इंसानों की मिसाल ऐसी है जैसे कान की कान काने, कानों से सोना चांदी निकलता है और सोने चांदी की तरह दीगर धाते भी कानों से निकलती हैं लोहा तांबा पीतल सारी चीजें जमीन से जमीन के अंदर काने हैं और उन कानों से हासिल होता है लेकिन एक कान दूसरे कान से बेहतर और अच्छी होती है हमारे यहां इस मुल्क में बहुत सारी चीजों की काने हैं बहुत ज्यादा मशहूर जो हैं कोयले की काने हैं संगे मरमर की काने हैं लेकिन जाहिर के सारी काने एक जैसी नहीं हैं बाज बहुत अच्छी और बहुत आला क्वालिटी का माल निकालती हैं और बाज का माल घटिया क्वालिटी का है तो ये असल है उनकी ऐसे ही बिल्कुल इंसान होते हैं इंसान होते हैं उनके मां बाप उनके संस्कार उनका खानदानी पसमंदर अगर अच्छा है शराफत का नजाबत का बहादुरी का दीनदारी का नेकी का खबरगीरी का तो उनके बच्चे भी उन्हीं संस्कारों के साथ पैदा होते हैं उसी माहौल में प्रवेश पाते हैं तो वो उसी तरह से अच्छे और बेहतर होते हैं लेकिन कुछ लोग उनका खानदानी मंजर लूटपाट कत्ल खूरेजी बदअमनी बुराई शराब जुआ जिनाकारी बदकारी इस मंजर के साथ दुनिया में आते हैं उनके खानदान में ये चीजें बरसों से चली आ रही है चूंकि उसी माहौल में वो पलते बढ़ते हैं उन्हीं कानों से वो निकलते हैं तो उन बुराइयों का कुछ ना कुछ असर उनके अंदर रहता इसलिए रसूल अक्रम सलाम ने निहायत ही बेहतर और उमदा मिसाल बयान फरमाई अगर आप बगैर मिसाल के यूं कहते कि बाद इंसान अच्छे होते हैं बाज इंसान खराब होते हैं तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता और ये कहते कि ये अच्छा नहीं है इंसान इंसान ही है जैसे आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये कह देते हैं भाई इंसान इंसान तो सब एक हैं भाई नश्तर मारो खून देखो सबका एक ही तरह लिख लेगा नाल लाल निकलेगा खून तो एक निकलेगा इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सोचने समझने की सलाहियतें नेकी और बदी के जज्बात किसी के साथ मिलजुल कर रहने और दूसरे का माल हड़प करने के जो नजरियात हैं, जाहिर है कि ये सबके अंदर एक जैसे नहीं होते मां बाप के संस्कारों का मां बाप की तहजीब तमदन का मां बाप की शराफत नजावत का असर उनकी औलाद पर जरूर पड़ता बिल्कुल ऐसे ही जैसे कान होने में सब बराबर हैं सभी काने हैं लेकिन सब का माल एक जैसा नहीं होता एक कान है उससे सोना निकालते हैं उसमें मिट्टी को छानते हैं भट्टी में पकाते हैं बड़ी मुश्किल से 100 ग्राम आधी किलो सोना निकलता उसी के मुकाबले में एक दूसरी कान है उससे आधा माल मिट्टी निकालते हैं और फिर उसको छानते हैं और उसको भट्टी में रखते हैं तो उससे दुगना सोना और उससे आला क्वालिटी का सोना निकलता है कहा 24 कैरेट और कहां बाईस बड़ा फर्क हो जाता है तो ये जो क्वालिटी बनती है ये कहां से इसका असर दर हकीकत कान की वजह से ऐसे ही इंसानों में एक इंसान है वो किसी का दुख दर्द नहीं देख सकता उसको भूख लगी है उसने कहीं से रोटी का इंतजाम किया इतने में एक दूसरा आदमी आ जाता है और वो भूखा है और इसको एहसास हो जाता है ये आदमी भूखा है तो ये खुद ना खाकर उसको दे देता है ये खुद भी खाता है लेकिन अपनी एक रोटी में से आधी रोटी उसको दे देता है और एक दूसरा आदमी है किसी दूसरे को खाता हुआ देखता है तो जाके उसका खाना छीन लेता है और एक लात और लगाता है यह भी इंसान है वो भी इंसान है लेकिन कितना फर्क है दोनों के व्यवहार में दोनों के चाल चलन में दोनों की सोच में दो दोनों के किरदार में जमीन आसमान का फर्क है जाहिर है कि दोनों को एक जैसा नहीं कहा जा सकता अगर चे उनके अंदर नश्तर लगाओ तो खून एक निकलेगा तो ये कह देना कि खून एक ही जैसा है लिहाजा सारे इंसान एक जैसे हैं यह सब एतबार से दुरुस्त नहीं है इंसान की कदरों कीमत होती है उसके अमल से उसके किरदार से उसके संस्कारों से इसी को शरीयत ने नाम दिया है तखवा और परहेज़गारी का तखवा और परहेज़गारी और गैर मुतकी और गैर परहेजगार दोनों में कितना फर्क है बहुत बड़ा फर्क है एक आदमी कभी भी भूखा रह सकता है दो बार दो वक्त दो दिन लेकिन किसी का माल चोरा कर नहीं खाएगा बगैर इजाजत नहीं खाएगा चोरी करके डाका मार के नहीं खाएगा भूखा रह लेगा लेकिन एक आदमी है कि खाया पिया है लेकिन देखेगा कि दूसरे आदमी के पास माल है और वो आदमी कमजोर है तो उस पर हमला करके जो कुछ भी उसके पास है वो भी छीन लेगा बड़ा फर्क है दोनों के अंदर ये जो फर्क है ये अमल का किरदार का है उनके तकवा और गैर तकवा का परहेजगारी और गैर परहेजगारी का है इसी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग दुनिया के अंदर ऐसे ही हैं जैसे मदिन काने हर कान एक जैसी नहीं होती अगरचे वो सोना निकालती है अगरचे वो चांदी निकालती कान सोने ही की है कान चांदी ही की है लेकिन इसका सोना अलग मीर का है और उसका सोना अलग मीर का है इसकी चांदी अलग किस्म की है और उसकी चांदी अलग किस्म की है एक तो बात बतलाई रसूल करम सल्हसलम ने एक और बात बतलाई हम दुनिया में रहते हैं एक साथ एक घर में एक महल्ले में एक गांव में एक शहर में एक मुल्क में तो हम देखते हैं कि बाज लोग एक महल्ले में रहते हैं हालांकि उनके खानदान के दरमियान कोई रिश्तेदारी नहीं है लेकिन इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं कि बाहर का आदमी दूर का आदमी देखने वाला ये अंदाजा ही नहीं लगा पाता कि ये दो अलग खानदान के आदमी हैं शीरोशकर शकर होकर उनका मिजाज दोनों का बहुत ज्यादा मिलता है और दो और आदमी एक मकान में रहते हैं एक खानदान के हैं लेकिन इस कदर नफरत है कि दोनों एक जगह बैठ नहीं सकते एक छत के नीचे सो नहीं सकते एक आदमी अगर कोई बात कहेगा तो दूसरे को उसकी मुखालिफत करना जरूरी है ऐसा क्यों है रसूल अक्रम सल्हलम ने फरमाया अलरवा जुनू दुम मुजन्नदा रूहू का मामला बिल्कुल लश्करों जैसा है इनमें बाज में बहुत ज्यादा अपनाइय है मेलो मोहब्बत है मिलना जुलना है पास लिहाज है खबरगिरी है यकसानियत है और बाज दूसरी में नफरत अदावत अदम यकसानियत बात बात में झगड़ा लड़ाई ऐसा क्यों है फरमाया ऐसा इसलिए है कि अल्लाह इज्जत ने अरवाह को सबको बनाएक कि इंसान से है लेकिन उनके दरमियान फर्क है जिस आदमी का वहां पर रूहानी दुनिया में दुनिया में आने से पहले जिसके साथ ताल्लुक रहा यक्षानियत रही हम मिजाजी रही वो दुनिया में आते हैं तो यहां भी प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं माता आरफा निहा तलफा अगर वहां तारुफ हो गया और बाहम एक दूसरे को पसंद करने लगे तो यहां दुनिया में आने के बाद भी उनके दरमियान में यही मोहब्बत यही प्यार और यही इकसानियत और यही हमदर्दी यही भाईचारा और यही खैर रहती है और अगर वहां पर ही नफरत बेगानगी गैरियत दूरी नफरत व अदावत रही तो यहां दुनिया में आने के बाद भी लाख कोशिश करो वो एक नहीं हो सकते जो वहां पर अलग अलग थे वो यहां पर भी अलग अलग रहते हैं इसीलिए हम देखते हैं कि सात समंदर पार का आदमी हमारे साथ रहता है हमें कोई तकलीफ नहीं होती बल्कि बहुत अच्छे अंदाज में हम उसके साथ रह लेते हैं हफ्ता दो हफ्ता महीना दो महीना साल दो साल ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कल की बात है और हमारे अपने शहर का अपने महल्ले का बल्कि कभी कभी तो हमारे अपने खानदान का कोई आदमी ऐसा मूजी बन जाता है कि उसके साथ एक दिन गुजारना एक हफ्ता गुजारना एक महीना और साल गुजारना यह समझो कि उम्र नूह गुजारना हो जाता है इतना अजीरन हो जाता है कि आदमी उसके साथ रहने से मौत को तरजीह देने लगता ये है यह किसी मिजाज नहीं मिलता हम मिजाजी नहीं हैं तो बाज चीजें फितरी हैं अगर इस तरह की कैफियत हो तो उनको बढ़ाने की कोशिश ना की जाए बल्कि नजरअंदाज करने की कोशिश की जाए ये मान कर के हमारा और इनका मिजाज नहीं मिलता है लिहाजा हम उनसे दुश्मनी करें उनको मिटाने की कोशिश करें उनको बर्बाद करने की कोशिश करें क्या फायदा उससे ऐसा सब कुछ करने से कुछ मिल जाएगा आपको कुछ नहीं मिलेगा आप ये सोचिए उनका मिजाज अलग है हमारा मिजाज अलग है हमारी कान अलग है उनकी कान अलग है उनका रहन सहन उनके संस्कार उनकी तहजीब तमदन ये सब मुख्तलिफ हैं और हमारा मुख्तलिफ है हम उनके साथ नहीं रह सकते और ये जैसे आप सोच रहे हैं उसके बारे में वैसे ही वो भी सोचे तो नफरत नहीं होगी लेकिन अदावत दुश्मनी झगड़े कम हो जाएंगे कम हो जाएंगे किसी को गवारा करना ये बहुत बड़ी बात है और हर एक आदमी के अमल और किरदार के लिए उसकी गैर मुनासिब बात के लिए कोई मुनासिब महमल तलाश कर लेना उज्र तलाश कर लेना उसके लिए कभी कभी अपने आप को मुतमयन करने के लिए और अपने आप को टेंशन से बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है किसी मुजलिस में हम गए कोई तकरीब थी बातों में किसी आदमी ने कोई ऐसी बात कह दी जो हमारे दिल को लग गई ऐसी बात क्यों कही इसने हमने तो कभी इसका दिल नहीं दुखाया कभी इसका बुरा नहीं चाहा कभी इसको कोई तकलीफ नहीं दी कभी इसके बारे में कोई बुरी बात नहीं कही और इसने इतनी बड़ी बात इतना बड़ा इल्जाम हमारे ऊपर रख दिया अब आप जितना ज्यादा सोचेंगे इसको उतना ज्यादा आप परेशान होंगे और हो सकता है किसी इंतकामी कार्रवाई के लिए आप तैयारी शुरू कर दें लेकिन अगर आप ये सोचें हो सकता है किसी ने उसको भड़काया हो हमारे बारे में गलत इतना दी हो नामुनासिब और गैर मुनासिब तब सिरे किसी ने किए हो और ये बेचारा उसका शिकार हो गया हो आदमी तो ठीक है कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी कहना कुछ चाहता है और निकल कुछ जाता है हम तो ये कहते हैं कि भाई नहीं नहीं यही तुम्हारे दिल में है इसलिए ऐसा हुआ लेकिन कभी कभी आदमी जल्दबाजी में किसी फेल के रद्द फेल के तौर पर जो कुछ भी इजहार करता है वो जल्दबाजी में गलत अल्फाज गलत ताबीरत इख्तियार कर लेता है उसके दिल में वो बात नहीं है जिसका इजहार उसके अल्फाज कर रहे हैं होता है कभी ऐसा तो आप जितना हो सके आपसे आप उसके लिए उज्र तलाश कर लें उज्र तलाश करने से सबसे पहला फायदा आपको होगा आप टेंशन से बच जाएंगे दूसरा फायदा आपको यह होगा कि आपकी नींद में आपके ब्लेट ब्लड प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा चैन से सो सकेंगे आप ब्लड प्रेशर भी आपका नॉर्मल रहेगा लेकिन अगर आपने उसको महसूस किया और और ज्यादा महसूस किया जितना ज्यादा उसको सोचेंगे आखिर उसने ऐसा कहा क्यों उतने ही ज्यादा अपने आप को दुख देंगे आप नींदें आपकी उड़ जाएंगी और फिर आपके हाथ पैर जुबान आंख नाक हर एक का अमल उस आदमी के खिलाफ शुरू हो जाएगा हाथ भी पैर भी आंख भी जुबान भी सब ही इंतकाम की तरफ लपकेंगे और इस इंतकाम में हो सकता है कि जितनी गैर मुनासिब बात उसने कही थी उससे कई गुना गैर मुनासिब बात आप कह दें तो उस तरफ भी यही हाल होगा इस टेंशन को बढ़ाने के बजाय अगर इस टेंशन को आप खत्म करने की कोशिश करें उसके लिए एक अच्छा उज्र तलाश कर लें। हो सकता है ऐसा हो हो सकता है ऐसा हो तो यह ज्यादा मुनासिब और ज्यादा बेहतर होता है और कभी कभी हम लाइलमी की बुनियाद पर ऐसी बातें सोच लेते हैं कह देते हैं जो नहायत ही गैर मुनासिब होती हैं और हमें कभी भी नहीं कहना चाहिए लेकिन कह डालते हैं हम तो इस हदीस में दो बड़ी बातें दो दर्श दो सबक हमें सबसे बड़े मिले रसूल अक्रम वसल्लम ने हमें इसमें दो बातें दी लोग अपनी शराफत मंजिलत अपने कान की वजह से अपने आबाजाद की वजह से अपने आप को बेहतर रखें अच्छा है, ठीक है अपने आप को इज्जत वाला समझें यह हक है उनको लेकिन उनको यह हक नहीं है कि किसी दूसरे को जलील करें इसलिए फरमाया खैर हम फिल जाती खैर उम फिल इस्लाम इज़ा फू जमाना जाहिलियत में इज्जत वाले कहलाते थे अब इस्लाम कबूल कर लिया यहां भी इज्जत वाले हैं इस्लाम लाने से उनकी इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनकी इज्जत उनकी शराफत कम नहीं होगी लेकिन शर्त यह है कि यहां आने के बाद मामला फहमी इस्लाम और एक दूसरे के ताल्लुक रवादारी इंसानियत इन तमाम चीजों को समझें यह नहीं है कि आप जाहिलियत से निकल के इस्लाम में आए और उसी घमंड गुरूर और तकबर को लेकर यहां पर आए और यहां पर भी वही गुरूर घमंड आप दिखाना शुरू करें और फिर आप यह चाहें कि लोग मेरी इज्जत करें तो आपकी इज्जत नहीं होगी आपकी इज्जत आपके अच्छे संस्कारों की वजह से होगी अच्छे किरदार की वजह से होगी अच्छे और बेहतर रवैये की वजह से होगी अगर आप चाहते हैं आपकी इज्जत की जाए तो आप अपने संस्कार बदलिए अपने रवैये बदलिए अपने किरदार बदलिए इस्लाम आपकी इज्जत को वैसे ही महफूज रखेगा बरकरार रखेगा और मुसलमान भी आपकी इज्जत और तजीम करेंगे जैसे पहले आपकी करते थे इस्लाम लाने की वजह से उसमें कमी नहीं आई लेकिन आपके अमल और किरदार बेहतर होनी चाहिए परवरदिगार हमें और आपको नकमल करने की तोहफ़ी फरमाए व आखिर उदावाना अनिल अनिलहमदल रबीआलमी وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا